सुल्तानपुर नगर पालिका पर कब्जा करने के लिए संजय सिंह ने बनाया प्लान। पहले बैठक और अब यात्रा निकाल किया आपका शंखनाद। 25 साल पुराने मुद्दे को किया जिंदा और ठोक दी ताल। आप नेत्री की ललकार, कांग्रेस सपा भाजपा बेकार, नगर पालिका में आप सरकार। यूं तो आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है, लेकिन पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का जिला होने के नाते सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कभी सुल्तानपुर की गलियों में सियासत करने वाले संजय सिंह ने सुल्तानपुर नगर पालिका पर आम आदमी पार्टी का कब्जा जमाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। सबसे पहले उन्होंने प्रत्याशी की घोषणा करते हुए पूर्व मंत्री संदीप शुक्ला को आपका प्रत्याशी बनाया और फिर बैठक कर वो मुद्दे तय कर दिए जिन मुद्दों को उठाकर सुल्तानपुर शहर में आपकी सरकार बन जाए। बृहस्पतिवार को पार्टी ने शहर में अधिकार प्राप्ति यात्रा निकाली ताकि जनता में आपको लेकर विश्वास पैदा किया जा सके। इस यात्रा में आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तर की नेता छवि यादव शामिल हुई और संदीप शुक्ला को जिताने के लिए कांग्रेस भाजपा सपा सबको ललकार दिया। छवि यादव ने कहा, सब जनता को लूटने वाली पार्टियां हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है। पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी नगर निगम के चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ने जा रही है और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे सांसद आदरणीय संजय सिंह जी के आह्वान से इस तरह की पदयात्राएं जनता को जागरूक करने के लिए, भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए निकाली जा रही है। यहाँ तक सुल्तानपुर की बात है, सुल्तानपुर में हमारे सांसद जी ने 25 साल पहले रेहड़ी आंदोलन शुरू किया था और बहुत दुखद बात है कि आज 25 साल बाद भी यहाँ छोटे व्यापारी रेहड़ी व्यापारियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। पूरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। आम जनता का जीवन मुश्किल हो चुका है, गंदगी का अंबार लगे हैं, सड़कें टूटी हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट घोटाले करे जा रहे हैं। उस सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर पदयात्रा निकाल रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पदयात्रा के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकाले गए, इस यात्रा से क्या लाभ मिलेगा जनता को? आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अधिकार प्राप्ति यात्रा निकाल जनता का ध्यान फ्री पानी, फ्री हाउस टैक्स और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर खींचना चाहती है ताकि वो अपना प्लान समझाकर सभी पार्टियों के मंसूबों पर झाड़ू चला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।